नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लग्न में लग्नेश का फल कैसे करना है, इस चरण को आगे बढ़ाते हुए मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न जहाँ की यहाँ केंद्र में 10 लिखा हो, अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में लग्न कुंडली में, जन्म लग्न जो कुंडली होती है उसमें यहाँ 10 लिखा है, तो ये 10 का मतलब होता है मकर राशि और आपका लग्न है मकर लग्न। मकर लग्न का स्वामी होता है शनि। तो शनि अगर अलग अलग भाव में जाए तो कैसा फल देगा, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अगर मकर रहेगी तो यहाँ कुंभ राशि रहेगी, यहाँ मीन, मेष, वृष, मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। अब यहाँ आपको सबसे पहले तो समझना कि शनि की दो राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। ये शनि की साधारण राशि है, सामान्य राशि है। यहाँ शनि सामान्य फल देता है जैसा बाकी ग्रह स्वराशि में देते हैं, जबकि कुंभ राशि जो है वो उसकी प्रधान राशि है, यानी कि उसमें जाकर वो अपना विशेष शुभ फल देता है या विशेष बलि हो जाता है वहाँ पर। शुभता अशुभता तो स्थान पर बदलती रहती है, स्थानानुसार ही तय करते हैं कि वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। अब यहाँ अगर देखते हैं हम, अगर शनि स्वयं लग्न में हो तो व्यक्ति का शारीरिक स्ट्रक्चर, रूप रंग शनि जैसा होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से बहुत तेज होता है, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होती है शनि। कार्यों में कुछ आलसी या मंद हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी अच्छे सुख साधन इकट्ठे कर लेता है, अच्छा भाग्य रखता है, अच्छी उन्नति पाता है, ये विशेष शुभ फल रहता है इसका। अगर शनि यहां पर आ जाए तीसरे भाव में, हाँ शनि के लिए एक बात और ध्यान रखिए, शनि की पूर्ण दृष्टि 3, 7 और 10 में होती है, तो तीसरे स्थान को भी फायदा पहुंचाएगा, साहसी होगा ऐसा व्यक्ति। सप्तम स्थान को देखेगा तो वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा, और दसम में क्योंकि ये इसकी उच्च राशि है इस पर देखेगा तो कार्य के लिए बहुत अच्छा होगा, तो काम में बहुत फायदा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शनि है, यानी कि शनि है कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि का जो शनि है ये लग्नेश शनि दस अपनी प्रधान राशि में चला गया है, दूसरे भाव में जाने पर धन के जोड़ने की इच्छा, धन जमा करने की इच्छा बहुत है, धन से लगाव बहुत है ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति धन जमा करने की कोशिश बहुत करता है, परिवार से बहुत लगाव है, परिवार के लिए बहुत काम करने के इच्छुक रहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है किंतु क्रोध अधिक होगा, वाणी में शनि क्रूर ग्रह, कठोर ग्रह बैठ गया है तो वाणी में प्रभाव ज़्यादा होगा, लेकिन कटु कठोर वाणी वाला व्यक्ति होगा, थोड़ा जल्दी भड़क जाएगा, जल्दी कठोर शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ ये शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर शनि जाता तीसरे में, अब लग्नेश तीसरे भाव में जाने पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, देरी से काम बनेंगे, आसानी से काम बनेंगे नहीं, किंतु यहाँ ये अपने भाई बहनों से खूब लगाव पैदा करेगा, साहस से बहुत लगाव पैदा करेगा, व्यक्ति साहस ज़्यादा होगा व्यक्ति में, और साथ में ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क करने से झिझकेगा नहीं, तो हार्ड वर्क बहुत करता है ऐसा व्यक्ति, मेहनत में लगाव हो जाता है, मेहनत करने की इच्छा होती है। अगर लग्नेश जो है चौथे भाव में चला जाए, वैसे तो लग्नेश का केंद्र में जाना बहुत शुभ है, लेकिन यहाँ शनि में एक विशेष समस्या है कि यहाँ आकर वो नीच राशि में, अपनी मेष राशि जो उसकी नीच राशि है उसमें हो गया है। अब नीच राशि में जाने पर शनि अशुभ फल देना शुरू कर देगा, यहाँ पर ये माता के लिए बहुत खराब हो जाएगा, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए खराब हो जाएगा, धन की दृष्टि से खराब हो जाएगा, काम के लिए भी खराब हो जाएगा, तीसरी दृष्टि रोग पर पड़ रही है तो रोगादि में वृद्धि करना शुरू कर देगा, दशम दृष्टि लग्न पर है और लग्न का स्वामी नीच हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, मकान वाहन की दृष्टि से संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा, दुख ज़्यादा पैदा करेगा, मन में एक तनाव रहेगा, एक संतोष की कमी रहेगी, ये सब समस्याएँ जो हैं वो शनि नीच होने पर दिखाई देने लगेगी। अगर शनि पंचम भाव में है तो
पंचम भाव में शनि यहाँ पर अच्छा माना जाता है। पंचम भाव में शनि शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, धन आदि के लिए बहुत शुभ रहेगा, उन्नति वाला होगा। इसकी तीसरी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, यहाँ भी थोड़ा सा फायदा पहुँचाएगा। हालांकि क्रूर भाव जब सप्तम भाव को देखता है तो प्रेम की थोड़ी कमी पैदा करता, तो आपसी संबंध वैवाहिक जीवन के उतने अच्छे नहीं रहते हैं, थोड़ी सी आपस में तू तू मैं ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो थोड़ा सा अच्छा ही होता है। सप्तम दृष्टि लाभ पर होगी, लाभ को बढ़ा देगा, और दशम दृष्टि धन पर होगी, तो धन में भी वृद्धि करने वाला यहाँ पर शनि होगा। अगर शनि तीसरे छठे भाव में चला गया मिथुन राशि में, अब छठे भाव में शनि का जाना अशुभ होगा। शत्रुओं के लिए अच्छा, शत्रुओं को दबा देने वाला व्यक्ति होगा, शत्रुओं पर प्रभाव होगा, लेकिन शत्रु अधिक हो जाएंगे। जो कुछ छठे भाव में है वो सब बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, ऋण बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएंगे, रुकावटें बढ़ जाएंगी, तो जीवन में परेशानियां ज़्यादा आएंगी, ऐसे में फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी साथ साथ फिर, तो यहाँ ये शुभ नहीं माना जा सकता। अगर आपका शनि यहाँ पर बैठा है तो नीलम नहीं पहनना चाहिए, निश्चित रूप से यहाँ अशुभ फल ही देगा। अगर शनि सप्तम भाव में आ जाए, अब फिर से क्योंकि कठोर ग्रह क्रूर ग्रह सप्तम भाव में आता है तो पति को कठोर करता है, पत्नी आपका जो भी पति पत्नी रहेंगे मतलब आपसे जो विपरीत है, या तो पति या पत्नी, वो कठोर हो जाएगा। तो ऐसे में प्रेम की थोड़ी कमी, आपसी संबंध में सुख की थोड़ी कमी पैदा करता है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, लग्नेश सप्तम भाव में आया है, ऐसा व्यक्ति अपने पति से अपनी पत्नी से बहुत लगाव रखता है, अटैचमेंट बहुत रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ते हैं, तो संबंध अच्छे रहेंगे। बावजूद उसके कि शनि क्रूर ग्रह है, थोड़ी समस्याएं पैदा करेगा, उसके बावजूद भी अगर चंद्रमा बहुत खराब नहीं हो तो यहाँ शनि का आना कुल मिलाकर लाभप्रद ही होगा सप्तम भाव के लिए। साथ में पूर्ण दृष्टि से अपने ही स्थान को देख रहा है तो लग्न के लिए बहुत लाभदायक है, भाग्य को देख रहा है भाग्य में वृद्धि करेगा, और दशम दृष्टि सुख साधनों पर है तो सुख साधनों में भी बढ़ोतरी करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ सप्तम भाव में करक राशि में शनि का बैठे होना शुभ फल देगा मकर लग्न में। अगर शनि यहाँ पहुंच गया अष्टम भाव में, अब आठवें भाव में शनि शत्रु राशि में और आठवें भाव में है, बहुत अशुभ फली शनि हो गया यहाँ पर, लग्नेश बहुत कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया, अशुभ स्थान में चला गया, अशुभ फलों में वृद्धि कर रहा है, साथ साथ शत्रु की राशि में भी है। यहाँ शनि कारक है अष्टम भाव का, तो आयु में बहुत हानि नहीं करेगा, लेकिन रोग बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, दुख बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, अड़चने बहुत ज्यादा आएंगी कामों में, बहुत बाधाओं के बाद ही कोई काम बनेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, संघर्ष की अधिकता रहती है और आसानी से सफलता किसी भी काम में नहीं मिलती, तो ये इस कुंडली में सबसे अशुभ स्थिति है शनि की। अब अगर हम बात करते हैं शनि आ जाए नवम भाव में, यहां पर नवम भाव का शनि जो है मित्र की राशि में, केंद्र का लग्न का स्वामी, त्रिकोण में भाग्य भाव में चला गया, भाग्य से रुचि हो गई, भाग्य से लगाव हो गया, भाग्य का साथ मिलेगा खूब, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी हो जाता है, भाग्य से खूब उन्नति मिलती है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति एक तरह से सुख साधन बहुत अच्छे होते हैं, और हार्ड वर्क करके और साथ में भाग्य का साथ पाकर बहुत अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। अगर शनि दशम भाव में आ जाए, अब मकर लग्न में दशम भाव का शनि बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ ये उच्च का हो गया है। अब शनि यहाँ उच्च का हो गया है, लग्नेश उच्च का हो गया है, तो लग्न धन दोनों में जबरदस्त वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ जाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, और काम में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। काम के बल पर, धन के बल पर सुख साधनों में वृद्धि हो जाएगी। तीसरी दृष्टि इसकी विदेश स्थान पर है, तो विदेशी संबंधों से काम में जबरदस्त लाभ ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो सप्तम भाव का सुख भी बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर यह सब प्रकार से अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से काम के लिए अद्भुत लाभ देगा, धन और सुख में अद्भुत लाभ देगा।
अगर शनि आ जाए 11वें भाव में, यहां पर आपके शनि बैठा है, मकर लग्न है, वृश्चिक राशि में शनि है 11वें भाव में, तो यहां लग्नेश उठकर गया है 11वें भाव में, साथ में एक योग और देखिए यहां धनेश भी है शनि, और धनेश गया है लाभ भाव में, तो धन लाभ हो रहा है, लग्न का लाभ हो रहा है, सब प्रकार से चीजों में वृद्धि होगी। ऐसे में ये शनि जो है शुभ फलदायक माना जाएगा, उन्नति वाला माना जाएगा, वृद्धि वाला माना जाएगा, इनकम सोर्सेज बढ़ाएगा और यात्राओं से खूब लाभ रहेगा ऐसे व्यक्ति को। अगर शनि 12वें भाव में चला गया, अब यहां शनि अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, धन की दृष्टि से अच्छा नहीं है, बहुत अधिक खर्च ऐसे व्यक्ति का होगा, पैसा ऐसा व्यक्ति आसानी से जमा नहीं कर सकता, धन जमा करने में बहुत भयंकर दिक्कत आती है ऐसे लोगों को, साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी छोटी बीमारियां बनी रहती हैं, वात रोग बढ़ जाते हैं, शनि जो शनि प्रधान लोग होते हैं उनमें वात की अधिकता पाई जाती है, और शनि जैसे ही अशुभ होगा वात रोग, जोड़ों के दर्द, गठिया, लकवा, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो गंभीर तरीके से बढ़ने लगती हैं, तो शनि के वात जनित जो रोग होते हैं वो अचानक से बढ़ने लगते हैं, ये सब देखने में आता है। तो यहाँ शनि अशुभ है। तो आपने देखा कि अगर हम मकर लग्न की बात करें तो तीसरे में बहुत शुभ नहीं है, कम, चौथे में अशुभ है, यहाँ अशुभ है, यहाँ भी अशुभ है और यहाँ भी अशुभ है, तो ये सब स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ यदि शनि बैठा है तो आपको बिल्कुल भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, निश्चित रूप से हानि करेगा। तो ये हमने बात की मकर लग्न की, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।